नमस्कार दोस्तों, अनपुर नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना गैस जलाए दो तरह की पेड़े की रेसिपी, जो हम बिस्किट से बनाएंगे। तो मैंने 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं और इनको हम खोल लेंगे और इनके सभी बिस्किट जो है हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी बिस्किट बाहर निकाल लिया और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर सभी बिस्किट डाल देंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, मैंने पाउडर बना लिया है। अब हम एक बाउल पे छन्नी रखेंगे और बिस्किट का पाउडर जो उसके अंदर डाल देंगे और इसको छान लेंगे। हमें एक स्मूथ सा पाउडर चाहिए, तो छानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे छान लें अच्छे से। तो देखिए, मैंने इसे छान लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप हम इसके अंदर मिल्क पाउडर की डाल देंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर पिसी हुई शुगर डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 2 छोटी चम्मच देसी घी की डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिना गैस जलाए आप 5 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए, मैंने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है और अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक स्मूथ सा डो बनाएंगे। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। मैंने 1/2 कप दूध लिया है, पर हमें पूरा दूध नहीं लगेगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो बना लिया है, हाथों को ग्रीस कर लेंगे। हाथों को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा डो लेंगे और जितना बड़ा आप पेड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से पेड़ा बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने गोल इसे पेड़े की शेप दे दी है। उंगली से हम इसके अंदर एक छोटा सा खड्डा कर देंगे और चोको चिप लगा देंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अब हम पेड़ा मेकर से पेड़ा बनाएंगे। तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, पर मैं इसे अच्छा सा लुक देने के लिए पेड़ा मेकर से पेड़ा बनाऊंगी। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। इसके अंदर 5 डिज़ाइन आती है, 4 मैंने लगा रखी है। 4 जो है ये आपको जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 डिज़ाइन लगा रखी है। और अब हम एक छोटी सी बॉल लेंगे, डो लेंगे, उसकी बॉल बना लेंगे और पेड़ा मेकर इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। 2 बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा पेड़ा जो है वो निकल कर आ गया है और इस पर बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आ गई है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर हम चोको चिप लगाएंगे। मैं एक पेड़ा आपको और बनाकर दिखाती हूँ। जितने बड़े मोटे पतले आपको पेड़े बनाने हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। 2 बार प्रेस करेंगे तो देखिए ये पेड़ा बनकर तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो सभी पेड़े इसी तरह बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी पेड़े बना लिए हैं और इन सभी पे हम एक एक चोको चिप लगा देंगे। आप पिस्ता भी लगा सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। 5 मिनट में ये बिना गैस जलाए इस मिठाई को इस दिवाली आप ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद आएगी। दिखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप इस मिठाई को किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाएंगे मिल्क पेड़ा। तो मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है और 1/2 कप हम इसके अंदर दूध डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने उबला हुआ दूध लिया है। अगर दूध आपका कच्चा है तो उसे गर्म करके हल्का सा ठंडा कर ले। गरम गरम दूध के अंदर मिल्क पाउडर ना डालें, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर ले और 1/2 चम्मच हम इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस को ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा मावा जो है वो जलने लगेगा।
तो बिना मावा के मिल्क पाउडर से आप बहुत ही टेस्टी पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं। ये तीन रेसिपी फ्रेंड झटपट बनने वाली है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप 15-20 मिनट में ये तीनों रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये डो की फॉर्म में आ गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम थाली में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर आधा कप पिसी हुई शुगर डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने बूरा का यूज़ किया है। आप मिक्सी जार में डालकर शुगर को पीस सकते हैं अगर आपके पास पिसी हुई शुगर नहीं है तो, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मिल्क पेड़े की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अब हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे घी से, ताकि डो हमारे हाथों पे चिपके ना। और जितना बड़ा छोटा पेड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना। की सहायता से हम इसे एक पेड़े की शेप दे देंगे। पेड़ा छोटा बड़ा आप अपनी मनपसंद से बना सकते हैं। अंगूठे की हेल्प से हम इसके अंदर हल्का सा खड्डा कर देंगे और इसके अंदर पिस्ता लगा देंगे और इसे हम प्लेट में रख देंगे। तो कितना सुंदर पेड़ा बना है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। एक पेड़ा मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड एक ज़रूरी बात और है कि अगर आपका ये डो जो है वो पतला हो जाए तो उसे 15-20 मिनट के लिए फ्रीज में रख दे तो ये टाइट हो जाएगा और फिर अच्छे पेड़े आपके बनकर तैयार होंगे। तो देखिए सभी पेड़े मैंने बना लिए, इंस्टेंट पेड़ा है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अब चलते हैं हम तीसरी रेसिपी पे, जो है चॉकलेटी पेड़ा, जो हम बिस्किट से बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 चॉकलेटी बिस्किट लिए हैं, पैकेट लिए हैं। और इनको हम खोल लेंगे और इनके बिस्किट जो है वो निकाल लेंगे। आप इस पेड़े को बनाने के लिए कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मैंने डार्क चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। आपके पास जो भी चॉकलेट बिस्किट हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बिस्किट मैं कान्हा जी को दे देती हूँ, मेरे छोटे लड्डू गोपाल हैं। और अब हम बिस्किट का पाउडर बनाएंगे। तो एक एक बिस्किट हम तोड़कर मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो सभी बिस्किट का मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये बिस्किट जो है वो काफ़ी मीठे होते हैं, तो अगर आपको शुगर का इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो बिना शुगर के भी आप इसे बना सकते हैं। मैं बिना शुगर के इसे बना रही हूँ। मैंने 2 चम्मच फ्रेश मलाई ली है और कुछ भी मैं इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो बना लेंगे। तो ज़्यादा मलाई ना डालें, 2 चम्मच से ही डो जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए डो बनकर तैयार हो गया। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर 1.5 कप नारियल का बुरादा डाल देंगे, 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे, 1/2 कप ही हम इसके अंदर पीसी हुई शुगर डाल देंगे, कार्डमम एसेंस डाल देंगे, आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर फ्रेश मलाई डाल देंगे। मलाई थोड़ी थोड़ी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। तो मलाई की जगह आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए डो बनके तैयार है और अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। देखिए इस तरह से बना लेंगे, छोटे छोटे से हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो दोनों डो के हमें इसी तरह लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए एक डो के मैंने लड्डू बना लिए हैं और अब हम चॉकलेटी लड्डू भी बना लेंगे। जो बिस्किट का हमारा डो है उसका भी लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से लड्डू बना लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों ही डो के लड्डू बना लिए। अब हम पेड़ा मेकर लेंगे। आप कोई भी पार्ट आगे रख सकते हैं, ऊपर की साइड चाहे वाइट रखें चाहे चॉकलेटी। तो मैं चॉकलेटी पार्ट जो है वो ऊपर रखूंगी। एक लड्डू लेंगे नारियल वाला और एक चॉकलेट वाला, उसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर पेड़ा मेकर रख कर इसे 2 से 3 बार प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा पेड़ा जो है
बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। इस पर बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आ गई है और ये दो लेयर वाला हमारा पेड़ा बनकर तैयार है, बहुत सुंदर दिख रहा है। इसे प्लेट में रख देंगे और इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे। एक लड्डू लेंगे, उसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इस तरह से हम 2 से 3 बार इसे प्रेस करेंगे तो ये लड्डू हमारे बनकर पेड़े हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी है। मैंने इसे पिस्ता कतरन से डेकोरेट किया है। तो आप इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये तीनों रेसिपी कैसी है।